शहजादी इंडी अलायंस यदि जीत जाता है तो उसमें 28 पार्टियां हैं, तो ऐसे में आप उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा उनमें से कौन सा हो सकता है? देखिए, इंडी अलायंस के नेताओं ने तय करके रखा है कि यदि गलती से, वैसे तो ये जीतने नहीं वाले परंतु गलती से अगर ये जीत जाते हैं तो पहले साल लालू जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, दूसरे साल ममता दीदी को, तीसरे साल अखिलेश यादव को, चौथे वर्ष आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को और पांचवें वर्ष कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे। इसका मतलब 5 वर्षों में 5 प्रधानमंत्री होंगे और किस प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता होगी ये जनता को पता है। इसलिए इस प्रकार के कंफ्यूजन वालों को नहीं, देश में केवल मिशन और विशन वालों को लोग वोट कर रहे हैं, परंतु इस पूरे फॉर्मूले पर पुष्टि करने का काम अखिलेश यादव जी ने ही किया है जब उन्होंने कहा कि 5 प्रधानमंत्री 5 वर्षों में कोई बुरी बात नहीं है, तो ये दिखता है कि इनके पास मिशन विशन नहीं केवल कंफ्यूजन है। ये सारा विपक्ष मोदी जी पे लगातार आरोप लगा रहा है कि जब भी ये मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं और ये कैमरा लेकर साथ जाते हैं। ऐसा है कि मंदिर में पूजा करे कोई व्यक्ति, अब इंडिया अलायंस के नेताओं को इससे भी परेशानी हो चुकी है। पहले राम जी के अस्तित्व से परेशानी, हिंदू धर्म से परेशानी, सनातन समाप्त कर देंगे इस प्रकार के बयान देना, राम मंदिर बेकार है ये कह देना, फिर कहा था कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री चुनाव संपन्न होने के बाद यदि अपनी आस्था के अनुसार कहीं मंदिर में चले जाए तो वो उनके लिए पाप है, पर ये जो लोग टोपी लगा लगा के मस्जिदों में जाते हैं कैमरे के साथ वो इनके लिए स्वीकार्य है। तो मुझे लगता है कि उनकी आस्था अगर मस्जिद में है तो वो वहां पर टोपी पहनकर नमाज पढ़े कैमरे के साथ या कैमरे के बिना। अगर प्रधानमंत्री मोदी मंदिर जाना चाहते हैं तो क्या आप मंदिरों में जाना हिंदुओं का बंद कर देंगे क्या? मतलब इनकी मानसिकता देखिए, ये इतने हिंदू विरोधी है कि ये कहना चाहते हैं कि हिंदू अब मंदिर भी ना जाए।